أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रहमतुल्लाही बरकातुहु। आज क्या है दो मार्च के साथ गलत है कब का नहीं है डॉक्टर यहाँ है दो मार्च आपके अलहमदुलिल्लाह। आज 4 मार्च मुताबिक 22 शाबानुल मुअज्जम मस्जिद आलिया में बरोज पीर बाद नमाज असर मस्जिद के कॉन्फ्रेंस हॉल में शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस का है। शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 934वीं नशिस्त है। आज का उनवान है रमज़ान वाले मुसलमान या रोज़ा वाले मुसलमान। बहुत उम्दा हो है आज के अभी अब नेक्स्ट वीक में आने वाले हफ्ते में रमज़ान का महीना उस मुनासिबत से बहुत ही अच्छा उनवान है और इसको मुखातिब करने वाले हैं डॉक्टर वो हाफिज़ मोहम्मद इसहाक कमाल खादरी साहब। बहुत ही उम्दा उनवान है इनका। मैं हाफिज़ मोहम्मद इसहाक कमाल खादरी साहब का तारुफ़ क्या कराना है वो अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदा से आ रहे हैं हमारे पास में, सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप हजरात का और अदबन गुजारिश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद इसहाक कमाल खादरी साहब से कि वो शह नशीन पर आए और हमें मुखातिब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ملاك الحسنات। हर किस्म की तारीफ़ के लायक अल्लाह ही हैं जो तमाम दुनियाओं के पालनहार हैं, इसलिए कि वो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाले हैं, इसलिए कि वही बदले के दिन के मालिक हैं। ऐसी शान वाले परवरदिगार के उसकी शाया निशान दुरूद और सलाम हो उसके आखिरी नबी और रसूल हमारे और सारी कायनात के लिए रहमत बनकर
हिदायत बनकर, इनकलाब बनकर, बेहतरीन नमूना बनकर तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पर, आपकी अजवाज पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर, आपकी सहाबियात पर, और आपके उन तमाम उम्मतियों पर जो आपके बताए हुए रास्ते पर चले, चल रहे हैं और क़यामत तक चलते रहेंगे। हम्द व सलात के बाद आज बतारीख 4 मार्च 2024 मुताबिक 22 शाबान 1445 हिजरी बरोज़ पीर बवक़्त दरमियान असर मगरिब व मकाम कॉन्फ्रेंस हॉल मस्जिद आलिया गन फाउंड्री हैदराबाद तेलंगाना। इस वक्त शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस के लेक्चर 934 का उन्वान है रमज़ान वाले मुसलमान या रोज़े वाले मुसलमान। इस उन्वान पर अल्लाह की तौफीक से जो बातें आपके सामने आज पेश करना है वो दावत फ़िक्र है और दावत अमल है। तकारीर बहुत होती हैं और हम सुनते रहते हैं, इस्तकबाल रमज़ान पर धुआंधार तकरीरें होती हैं, सैकड़ों जलसे होते हैं, लेकिन हम इस बेचारे अल्लाह के मेहमान का ऐसा इस्तकबाल करते हैं कि बस सिर्फ़ रमज़ान तक ही उसका एहतराम करते हैं और रमज़ान के बाद इस मेहमान के जो हमसे तकाज़े थे उन तकाज़ों को बिल्कुल पसे पुश डाल देते हैं, ऐसी नाकदरी करते हैं उसकी, ऐसी नाकदरी करते हैं कि हम अपने आप की भी इतनी नाकदरी नहीं करते हैं। इसी मुनासबत से हमने ये उन्वान रखा, एक हैं रमज़ान वाले मुसलमान, एक हैं रोज़े वाले मुसलमान। अब रमज़ान वाले मुसलमानों की क्या सिफात हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, और रोज़े वाले जो मुसलमान हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, ये आपको बताता हूँ। रमज़ान वाले मुसलमानों के किरदार की 10 बातें हमने यहाँ पर नोट की हैं, और भी होंगी बहुत सी, लेकिन मोटी मोटी वो बातें जो नोट की जाती हैं, जो ऑब्ज़र्वेशन में, मुशाहिदे में आती हैं। नंबर एक, ये रमज़ान वाले मुसलमानों की पहचान, नमाज की पाबंदी सिर्फ़ रमज़ान में। नंबर दो, तिलावत की पाबंदी सिर्फ़ रमज़ान में करना। नंबर तीन, सदका खैरात सिर्फ रमज़ान में निकालना। नंबर चार, गुनाहों से बचना सिर्फ़ रमज़ान में। पांचवी, रमज़ान वाले मुसलमानों की पहचान, मस्जिदें आबाद करना सिर्फ़ रमज़ान में। छठी पहचान, गरीबों को याद करना, उनके राशन का ख्याल रखना, उनको राशन किट देना सिर्फ़ रमज़ान में। नंबर सात, मस्जिद के अइम्मा और मुअज्ज़िनीन का ख्याल सिर्फ रमज़ान में रखना। नंबर आठ, पहलवानी, बेईमानी, हक तलफियाँ छोड़ना सिर्फ़ रमज़ान में। नंबर नौ, पूरे साल के जायक़े और डिशेज और ज़ुबान के चटखारों में पूरे साल की कसर सिर्फ़ रमज़ान में निकाल लेना। रमज़ान को माह करीम के बजाय, माह अज़ीम के बजाय माह हलीम बना देना। और फिर बजाय रमज़ान में जो उसकी रूह है वेट लेस होने के, वेटफुल हो जाना। नंबर नौ,
نمبر دس، نیکیوں کی طرف عام توجہ اور دلچسپی لینا لیکن صرف رمضان میں۔ یہ دس خوبیاں کیا کہیں گے، خامیاں کہیں گے، عیب کہیں گے، یہ رمضان والے مسلمان کی پہچان ہے۔ اب روزے والا مسلمان کیسا ہوتا ہے وہ بھی سنیں۔ بر وقت اور ہر وقت اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے ڈرنا، صرف رمضانوں میں کلوں پہ ہاتھ مار لینا اور 11 مہینے دوسروں کے کلوں پہ ہاتھ مارنا، یہ رمضان والے مسلمان کی، روزے والے مسلمان کی پہچان نہیں، رمضان والے مسلمان کی پہچان۔ تو پہلی روزے والے مسلمان کی پہچان، بر وقت اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا۔ نمبر دو، نماز کی تمام سال پابندی کرنا، روزے والے مسلمان کی تیسری پہچان۔ قرآن سے ہر وقت جڑے رہنا جیسے رمضان میں ہم جڑے رہتے ہیں۔ نمبر چار، خیر کے کام پورے سال کرنا اور کرتے رہنا، روزے والے مسلمان کی پانچویں پہچان۔ غریبوں مسکینوں کا ہر وقت خیال رکھنا اور ان کے کام آنا، روزے والے مسلمان کی چھٹی پہچان۔ گناہوں سے ہر وقت بچنا اور بچتے رہنا۔ ساتویں پہچان، نماز پورے سال اور پوری زندگی پڑھنا اور قائم کرنا، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ رمضانی مسلمان، رمضان والے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور روزے والے مسلمان نماز قائم کرتے ہیں۔ روزے والے مسلمان کی آٹھویں پہچان، آٹھویں خصوصیت، اللہ کے احکام پر بر وقت اور ہر وقت عمل کرنا اور ان کو ماننا اور اللہ ہی سے مانگنا۔ نمبر نو، تحمل، صبر، برداشت کا مزاج کا ہر وقت مظاہرہ کرنا، یہ روزے والے مسلمان کی پہچان۔ دسویں پہچان، سچائی، احسان اور اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جان کر، مان کر، اس کی ماننا اور مانتے رہنا۔ یہ دس پہچانیں روزے والے مسلمان کی ہیں۔ اب جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ آیت سورہ نساء رکوع نمبر 20 کی آیت ہے، پانچویں پارے کی۔ رمضان کے ضمن میں یہ آیت آپ نے شاید ہی سنی ہو، اس سے اس کو کنیکٹ کر کے بتایا جائے۔ یہ تو سنی ہے آپ نے اور بالکل صحیح ہے وہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے کو ایسا ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور روزے کی روح بتائی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ میں تقوی کی وضاحت، تقوی کی تعریف اور تقوی کے فائدے اور تقوی کے برکات اور ثمرات اور تقوی کا زندگی کے اندر انقلاب، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے آگے باتیں کرتا ہوں۔ لیکن پہلے سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی، سورہ نساء کے 20 رکوع کی آیت، اس کو پھر ایک بار پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجئے کہ کیا بات اللہ نے کہی ہے تقوی سے متعلق۔ فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی وصیت کی، اور تم کو بھی ہم نے یہ وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا بات معلوم ہوئی اس سے؟ کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ ڈیوائن ول ہے،
ये रब्बानी वसीयत है, रब्बानी वसीयत नामा है, जैसे कि मरने वाले की वसीयत की कदर की जाती है। नहीं, मेरे अब्बा की वसीयत है, मरने से पहले ये अम्मा जान की वसीयत है, मरने से पहले भाई साहब की ये वसीयत है, मरने से पहले मेरे पीरो मुर्शिद की ये वसीयत है, मरने से पहले मेरे उस्ताद मोहतरम की ये वसीयत है, मरने से पहले मेरी मोहतरमा की ये वसीयत है। वसीयत को आदमी लेता है तो पूरी इम्पोर्टेंस के साथ लेता है, और उसका पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन, उसकी तनफीज़ पूरी तवज्जो से करता है और पूरे एहतराम और एहतमाम के साथ करता है। अल्लाह ताला ने तकवे को डिवाइन विल कहा, रब्बानी वसीयत है ये, रब्बानी वसीयत। हमें इस वसीयत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। रोज़े वाला मुसलमान अपनी ज़िंदगी में इस रब्बानी वसीयत को नाफिज करता है और पूरे एहतराम के साथ करता है, पूरे एहतमाम के साथ करता है। जहाँ दो बातें होंगी, एक एहतमाम एक एहतराम, अल्लाह के जिस हुक्म के अंदर भी ये दो बातें हों कि वो हुक्म पूरे एहतराम के साथ लिया जाए और पूरे एहतमाम के साथ उसकी तनफीज की जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो फिर उसका नतीजा सिवाय इनकलाब के और कुछ नहीं है। तो ये तक्वा जो है ये डिवाइन विल है, वसीयत है, और वसीयत कहते हैं अरबी में ताकीदी हुक्म को। वसीयत के माना जो है लिटरेरी मीनिंग, उसके मीनिंग है ताकीदी हुक्म। तो एक तो तकवे को अल्लाह ने वसीयत कहा, ये रब्बानी वसीयत है। रोज़ा हमें इस वसीयत पे अमल करने और इस वसीयत को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करने का मिजाज देता है। इसी तरह हमने जो हदीस पढ़ी थी, उस हदीस में तकवे की तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई, अत्तकवा मिलाकुल हसनात, तकवा नेकियों का कैपिटल है, पूंजी है, सरमाया है। आपके पास सरमाया होता है, पूंजी होती है, आप इन्वेस्ट करते हैं उसको और फिर उसकी हिफाजत करते हैं। सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, हिफाजत करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा और फिर उससे आपको फ़ायदे हासिल होंगे। अगर पूंजी को आपने सही जगह इन्वेस्ट नहीं की तो वो पूंजी आपकी बेकार हो जाएगी। तो हदीस शरीफ के अंदर नेकियों की पूंजी और नेकियों का सरमाया, नेकियों का कैपिटल तकवे को कहा है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है इस तकवे का। तो मालूम हुआ तकवा डिवाइन विल है, तकवा एक मोमिन का कैपिटल है, मोमिन का कैपिटल है। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और फिर उसके फवाइद और समरात और बरकात क्या हैं वो बताता हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्ह ने एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्ह से पूछा, हज़रत इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या लिखा है, उन्होंने कहा कि उबई तकवा क्या है। तो हज़रत उबई बिन काब ने हज़रत उमर से पूछा, क्या आप किसी कांटोदार रास्ते से गुजरे हैं कि ऐसा रास्ता हो कि इधर भी कांटे हों, इधर भी कांटे हों, दोनों तरफ कांटे हों और फिर दोनों के दरमियान वो रास्ता हो, तो आप कैसे गुजरते हैं उससे, कैसे गुजरे। उन्होंने कहा कि हाँ गुजरे। वो कैसे गुजरे, उन्होंने कहा पहले मैं अपने लिबास को संवारता हूँ और फिर बहुत बचते हुए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ, कभी एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा पीछे हटाता हूँ। हज़रत उबई बिन काब ने सुनकर कहा, हाजा हुवत तकवा, यही तकवा है, यही तकवा है। क्या मतलब, मतलब ये है कि ये ज़िंदगी के अंदर जो आपको ये शबो रोज़ मिले हैं, यहाँ पर बहुत सी खारदार गुनाहों की झाड़ियाँ हैं, थार्नी बुशेज हैं हर तरफ, कहीं गुनाहों की खारदार झाड़ी है,
कहीं विशफुल डिज़ायर्स की खारदार झाड़ियाँ हैं, कहीं लालच की, कहीं शिर्क की, कहीं बिदआत की, कहीं खुराफात की, कहीं कुफ्र और शिर्क की, कहीं अना की, कहीं हसद की, ये सब झाड़ियाँ हैं। इस झाड़ियों के दरमियान से जो जन्नत का रास्ता है उस पर चलना और अपने ईमान के लिबास को बचाते हुए कब्र तक और हशर तक ले जाना, यही तकवा है, यही तकवा है। क्या जामे उनकी बातें और क्या जामे उनका समझाना किस अंदाज से। अब सुने तकवे की हकीकत क्या है। फरमाया फ़अलुल मामूराती वजतनाबुल मनहियात। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको करना, जिन बातों से रोका है उनसे रुकना, ये तकवा है। तकवे के माने आते हैं बचना, परहेज़ करना। जैसे आप मिसाल के तौर पर चेन स्मोकर हैं, बदबूदार डंडी आपकी पहचान है, उसका पीना आपकी पहचान है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो ये मर्ज़ आपको नहीं छोड़ेगा, अगर आपको अच्छे होना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ये परहेज़ करना पड़ेगा। आप मीठे के बहुत शौकीन हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया खबरदार मीठे से हाथ भी नहीं लगाना, अगर आपने मीठे से परहेज़ नहीं किया और ये चीज़ों से परहेज़ नहीं किया तो ये हज़ारों रुपये लाखों रुपये की दवा सब बेकार। अब दस्तरखान पे बैठे हैं, 25 डिशेज सामने हैं और नए नए किस्म के मिठे सामने हैं, राल टपक रही है, मिठे के बड़े शौकीन हैं, लेकिन दिल चाहकर भी मिठा नहीं खाते। क्यों? अपनी बीमारी और अपनी मौत नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब ने कह दिया बहुत बड़ी हुई है, खबरदार, चाहकर भी नहीं चाहते। क्यों, किस सबब से? सिर्फ जिस्म की सेहत के लिए, चंद रोज़ा सेहत को बाकी रखने के लिए। ये जिस्म जो चंद रोज़ा है, जिसकी ज़िंदगी आधे दिन और एक दिन है, एक सुबह या एक शाम है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत में पूछेंगे कम लबिस तुम, कितने रह कर आए, कहेंगे लबिस ना यौमन औ बाद यौम, एक दिन या दिन का एक हिस्सा रह कर आए। ये ज़िंदगी जो दिन के एक घंटे एक साथ की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए हम कितनी कुर्बानियाँ देते हैं अपने जज्बात की। वो ज़िंदगी जिसकी एक दिन 1000 साल का है और जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, उस ज़िंदगी को तंदुरुस्त बनाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, इज्जत वाली बनाने के लिए क्या हम ज़रा सा परहेज नहीं कर सकते? ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, ये ख़त्म होने वाली, फना होने वाली ज़िंदगी, इसके लिए हम कैसी कैसी न चाहकर भी चीज़ें, चाहकर भी नहीं चाहते। तो जिस्म की सेहत के लिए हम इतना ख्याल, और अपने रब के दिए हुए इस ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी रूह को तंदुरुस्त बनाने के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए, क्या हम रब की नाराज़गी की बातों से, गुनाहों से बच नहीं सकते? यहाँ पर अगर हमने अपनी रूह को रब की नाराज़गी और नाफरमानियों से बचा लिया तो बस फिर सारी नेमतें हमारी इंतज़ार में हैं। माला आइन रअत वला उज़ुन समियत वला खतरा अला क़ल्ब बशर। वो नेमतें अल्लाह अता करेंगे जो आँखों ने देखी नहीं होंगी, जो कानों ने सुनी नहीं होंगी, जो दिल पर जिसका शायबा नहीं गुजरा होगा, ख्याल नहीं गुजरा होगा। लेकिन ये सब परहेज़ है, परहेज़, तकवे के माने परहेज़। इसी तरह अल्लाह के अहद को पूरा करना, ये भी तकवे में शामिल है। वादों को पूरा करना, ये भी तकवे में शामिल है। मुआहदों को पूरा करना, ये भी तकवे में शामिल। हम जब तकवे की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि साहब शायद लिबास के साइज़ को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, शायद इसका नाम तकवा है। पाजामे के साइज़ को
घटाया जाए, जुब्बे के साइज को बढ़ाया जाए, इसका नाम तकवा है? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अतिम्मु लहुम अहदहुम बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। ये सूरह तौबा के अंदर की आयत है और मुआहदे की बात है। कहा जा रहा है कि जो काफिरों से भी तुम्हारे मुआहदे हुए हैं फतह मक्का से पहले, उनको टाइम दे दिया था 4 महीने, फसीहू फिल अर्द अरबअत अशहर, 4 महीने का अल्टीमेटम दे दिया था। 4 महीने में अगर सुधार कर लो, ईमान ले आओ, तो तुम्हें हक है मदी मक्के में रहने का, वरना मक्का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी में एक बात कही जा रही है, अगर तुम्हारे किसी से मुआहदे हुए हैं, मुशरिकों से, काफिरों से या अपनों से, जिससे भी मुआहदे हुए हैं काफिरों से, अगर वो 4 महीने से बढ़कर भी हैं, तो वो मुद्दत उनकी पूरी करो, उनसे जो मुआहदे हुए उसे पूरा करो। और ये कहने के बाद फरमाया फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, तुम वादे जो उनसे किए हैं गैर मुस्लिमों से, मुशरिकों से, पूरे किए करो, ये भी तकवा है और अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करते हैं। आप गौर तो करें कि तकवा क्या है। नहीं, कुफार लाए थे बात, कुछ नहीं, सब जायज है। काफिरों से भी अगर मुआहदे हुए हैं और सही मुआहदे, जायज मुआहदे, हक पर मुआहदे, तो उसको पूरा करना, कौल व करार पे के पाबंद रहना, यह भी तकवा है, इसको भी तकवा कहा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत, अब यहां से समरात बताता हूं, तकवे के समरात सुनिए, फायदे देखिए उसके कितने हैं। दुनिया के ये फायदों के खातिर हम अपनी रूह को बद परहेजी करके कितना ख़राब कर देते हैं। देखिए क्या मिलता है तकवे के अंदर, क्या नियामतें मिलती हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। फरमाया सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उद्दत लिल मुत्तकीन। लबको ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। अब आप गौर करें, चौड़ाई जो होती है, ब्रेथ जो होती है, वो लेंथ के मुकाबले में कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है और जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कम होती है। जब चौड़ाई आसमान के बराबर है और ज़मीन के बराबर है, तो लंबाई कितनी होगी उस जन्नत की। फरमाया ये किन के लिए तैयार की गई है, उद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह की फरमाबरदारी काम करना, कौन है मुत्तकी? अल्लाह बता रहे हैं हम आप तय नहीं करेंगे, ये लिबास के साइंस तकवा तय नहीं करते, अल्लाह का हुक्म और नबी के हुक्म ये तय करते हैं कि मुत्तकी कौन है और तकवा क्या है। अब ये मुत्तकियों की सिफात बताएं। फरमाया الذين ينفقون في السراء والضراء, मुत्तकी वो हैं कि जो परेशानी के अंदर, खुशहाली के अंदर और तकलीफ के अंदर हर हाल में खर्च करने वाले होते हैं। والكاظمين الغيظ, और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। والعافين عن الناس, और लोगों से दरगुजर करने वाले, माफ करने वाले होते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ मालूम हुआ कि मुत्तकी की क्या पहचान है, क्या पहचान है। अब इस पर जो इनाम है रब के, वो सुनिए। पहला इनाम, रब की दोस्ती। इस तकवे पर रब की दोस्ती मिलती है। कैसे? अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। सुन लो, अल्लाह के जो दोस्त हैं, वली के माने सबसे करीब रहने वाला। और दोस्त क्यों कहते हैं? दोस्त करीब होता है, दुश्मन से दूर रहा जाता है। तो वली के माने अल्लाह से करीब रहने वाला, औलिया उसकी जमा है। सुन लो, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाए, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तो मालूम हुआ के तकवे से अल्लाह की दोस्ती मिलती है। सारी कायनात के रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब, आसमान ज़मीन के मालिक और खालिक की दोस्ती मिल जाए आपको, और क्या चाहिए आपको?
क्या होना आपको इससे बढ़कर। मशरिक और मगरिब का रब, सारी कायनात का मुदब्बिर, सारी कायनात का खालिक, वो आपसे दोस्ती करे, और क्या चाहिए। तकवे पर ये मिलता है। इसी तरह दूसरा इनाम तकवे पर अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह जो परहेजगार है उनसे मोहब्बत करता है। तीसरा इनाम तकवे पर, तकवे से रब का साथ मिलता है। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, जो बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है और मोहसिनीन के साथ है। अल्लाह का साथ इस तकवे पर, इस परहेजगारी पर मिलता है। इसी तरह पांचवा, तकवे से रिज़्क़ की कुशादगी होती है। हम रिज़्क़ की कुशादगी तकवे में देखते हैं, नहीं भले ही नमाज नहीं पढ़े, हम कुरान को पूरे महीने पूरे साल खोल कर नहीं देखें, लेकिन हाफिज़ साहब को ज़रूर मुकर्रर करेंगे कि साहब फजर के बाद आइए, खाली गल्ले पे बैठिए हमारी दुकान के, और यासीन शरीफ पढ़ के फूंक के चले जाइए, बस ताकि खैर व बरकत आए। खैर व बरकत हम तकवे में समझते ही नहीं हैं। फला आमिल साहब ने ये बता दिया, फला अमल अमलियात में हम समझ रहे हैं, इससे हमें बरकतें मिलेंगी। अपनी होटल के इनाग्रेशन से पहले आमिल साहब ने कहा कि आप 3 बकरों की बलि दीजिए तो आपकी होटल चलेगी। अब मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे मालूम है वो होटल, और मालूम हुआ कि 3 जिंदा बकरों की बलि चढ़ाई। बरकत के लिए हम गुनाहों का सहारा लेते हैं, बरकत हासिल करने के लिए मोमिन नेकियों का सहारा लेता है। रब की खुशी की बुनियाद पर बरकतें मिलती हैं। जिसके हाथ में बरकतें हैं वो रब कायनात है। सारी कायनात की बरकतें, रहमतें, फजल, करम का वो खालिक है, वो मालिक है। लहू मकालीदु समावात वल अर्द, आसमान और ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ उसके पास हैं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, हमारे पास चीज़ें नहीं, चीज़ों के ख़जाने हैं। उससे लेने का यकीन, उससे बरकत हासिल होगी, यकीन नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं सुनो, बरकतें कायम रखी हैं मैंने। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह मुसीबतों से खलासी और नजात की सूरत पैदा करता है उसके लिए। हम मुसीबतों से नजात की सूरत, ये वजीफ़ा पढ़ के, वो वजीफ़ा पढ़ के, और जो रब ने वजीफ़ा बताया, जो नबी की आँखों की ठंडक है वजीफ़ा नमाज, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती, उसमें मुसीबतों की खलासी हमें नज़र नहीं आती। यानी आमिल साहब की बात पर तो हमें 100% यकीन है, झूठे आमिल साहब, लूज कैरेक्टर वाले आमिल साहब। लेकिन जो मुत्तकियों का सरदार, जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन और आखिरीन का सरदार, जो सारी कायनात का रब, जो हमारा मालिक है, वो हमें कह रहा है अगर तुम गुनाहों से बचोगे, नेकियों पे चलोगे, तो मैं मुसीबतों से नजात दूंगा। और दूसरा इनाम वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रिस्क दूंगा तुम्हें जहां से तुम गुमान नहीं करोगे, ख्याल नहीं होगा। ये रब है। मन अस्दक़ु मिन अल्लाह क़ीला, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन है। इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मीआद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। मन अहसरु मिन अल्लाह हदीसा, अल्लाह से ज्यादा बात का अच्छा कौन है। इन्न रब्बका फ़आलुल लिमा युरी, रब जो चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, अल्लाह अपने फैसले पर गालिब है। वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत रब की शान को पहचानती नहीं है। मा कदरुल्लाह हक कदरी, जैसे रब की कदरदानी करना चाहिए, उसके हुक्मों की जैसे कदरदानी करना चाहिए, लोगों ने ऐसी कदरदानी नहीं की। वो कैसा है, लैस कमिस्लिही शै, उसकी मिसल भी कोई नहीं है। वलहुल मसलुल अला फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में बुलंद मिसाल है उसकी। तो ये कौन सा इनाम था साहब? ये इनाम था चौथा इनाम। अब पांचवा इनाम जो था वो रिज़्क़ की कुशादगी, मिन हैसु ला यहतसिब। छठा इनाम गुनाहों का कफारा। फरमाया वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिह, जो अल्लाह से डरेगा, तक्वा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को उससे दूर कर देगा। वयुअज़्ज़िम लहू अजरा, और उसका अजर बढ़ा चढ़ा कर अता करेगा।
एक नेकी करी है तो दस्तों मिलना ही मिलना है, मंजा बिल हसनत फलहु अजर अमसालिया, लेकिन अगर उसमें तकवा शामिल हो गया, इखलास शामिल हो गया, तो अदाफम मुदाफा, दुगना और चौगना करके अल्लाह अता फरमाएंगे। तो ये छठा इनाम था। इसी तरह सातवां इनाम, तकवे से कामों में आसानियाँ पैदा होती हैं। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या है, क्या हम काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मारे मारे फिरते हैं, कोई 100 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 500 किलोमीटर दूर जाता है, कोई ये मिन्नत मानता है, कोई वहाँ जाता है, कोई वहाँ सर टेकता है, कोई वहाँ करता है, लेकिन जहाँ पर सर टेकना है, सर झुकाना है, जिसने ये सर दिया है वहाँ उसके आगे सर नहीं झुकता, जिसने ज़ुबान दी है उसके आगे ज़ुबान नहीं खुलती, जिसने हाथ दिए हैं उसके आगे हाथ नहीं फैलते, जिसने पैर दिए हैं उसके घरों को जाने के लिए पैरों के पास वक्त नहीं है, कहाँ है, जिसने दिमाग दिया है उसकी मर्जियात को उसकी खुशी को समझने के लिए हमारे पास दिमाग के पास वक्त नहीं है, जिसने वक्त दिया है उसी के पास उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके कामों में आसानियाँ पैदा कर देगा, आसानियाँ पैदा कर देगा। ये सातवीं बात। आठवीं बात, तकवे से दुश्मनों से अमान मिलती है। हम दुश्मनों से अमान के लिए क्या करते हैं, हाथ फेर और उन्होंने कहा कि साहब सीएम साहब आप फुला जगह जा रहे हैं, फुला रैली को आपको खिताब करना है, डिप्टी सीएम साहब उनको वो जामिन क्या कहते हैं साहब, इमाम जामिन बांध रहे हैं। अब वो कौन है क्या है वो आप समझिए, इमाम जामिन बांध रहे हैं। ओहो अच्छा, वो भी बड़ी उससे बनवा रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने अकीदे का और ईमान का क्या सबूत पेश कर रहे हैं। हम दुश्मनों से बचने के लिए, काफिरों के पास हो सकती हैं ये सब बातें, ये खिलौने, कि वो दुश्मनों से बचने के लिए ये सब झूठे सहारे लें, लेकिन मोमिन के पास सारे सहारों का एक सहारा रब्बुल जलाल, जो सहारों का खालिक है, जो मालिक है, वही उसका सहारा है, वही उसका सहारा। फरमाया वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैआ, अल्लाह फरमा रहा अगर तुम ईमान पर जमे रहे, हक पर जमे रहे, इस्लाम पर जमे रहे और तकवे वाली जिंदगी अपनाई, तो ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं इनके मकर व फरेब कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्या गारंटी है, कहाँ हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, कुरान से दूर हैं हम, हम कुरान के रीडर्स हैं और हमारे असलाफ कुरान के फॉलोअर्स थे, कुरान के फॉलोअर्स बनने से अल्लाह दुनिया में लीडर्स बनाता है और कुरान के रीडर बनने से बस रीडर ही रहते हैं हमेशा, फिर दूसरों के ही फॉलोअर रहते हैं, शैतान के फॉलोअर्स रहते हैं। तो ये तकवे का के अंदर अल्लाह ताला ने दुश्मनों से निजात भी रखी है, ये आठवां फ़ायदा। नवा फ़ायदा तकवे से जन्नत, नियामतों वाली जन्नत, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व उयून, ये तो दुनिया के फ़ायदे थे, अब आखिरत में बागात हैं और नहरें हैं, और कैसी जन्नत अभी बताया, जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर, चौड़ाई आसमान के बराबर, तो फिर सोचिए लेंथ जो होती है वो तो ब्रेड से बड़ी होती है, तो लंबाई कितनी होगी, क्या होगी, और एक बाग नहीं होता किसी गार्डन में, एक बाग के गार्डन को गार्डन नहीं कहा जाता, बहुत से बागात होते हैं। ओहो हो, जन्नत कहते ही हैं घनेरे बाग को, जन्नत के माने अरबी में जन्ना यजुन्नों से बना, उसके माने घनेरा बाग, घनेरा बाग। खैर बहरहाल वक्त कम है, आगे बढ़ रहा हूँ। तकवे से आसमान ज़मीन की बरकतों का हुसूल, हम तकवे से 2, 8, 4, उन्होंने कहा कि बस ये सामने लगा लो दुनिया वहाँ, और रोज़ाना एक अगरबत्ती सुबह जला दिया करो, बस वो 2, 4, 8 का एक तोगरा लगा दिया, अगरबत्ती जला दी, वो बस समझ रहे हैं क्या बरकतें ही बरकतें। अरे बरकतें यहाँ, बरकतों का खालिक बता रहा है कि बरकतें कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। फरमाया وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ,
अगर ये बस्ती वाले तकवा इख्तियार करते और ईमान ले आते तो हम आसमानों से बरकतों के दहाने खोल देते और ज़मीन से बरकतें निकालते इनके लिए। बरकतें कहाँ रखी हैं, कहाँ जा रहे हो? खजाने जहाँ मिलना है वहाँ तो जा नहीं रहे, जहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, जहाँ और ईमान लुटने का ख़तरा है वहाँ पर जा रहे हो तुम। अल्लाह हमें दीन की समझ और अपना फ़हम, अपना शौक़, अपना खौफ अता फ़रमाए। इसी तरह ग्यारहवीं बात, तकवे से दोनों जहाँ की कामयाबी मिलती है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरो ताकि तुम दोनों जहाँ में कामयाब हो। बारहवां, तकवे से शैतान से हिफाजत और तौबा की तौफीक मिलती है। इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, जिसने तकवा इख्तियार किया तो उसका फ़ायदा ये होता है कि शैतान जब उसको नरगे में लेने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसे बसीरत देते हैं, वो फौरन अल्लाह को याद कर लेता है उसकी बरकत से। फ़ैज़ा हुम मुबसिरून, उसको बसीरत मिल जाती है, उसको सूझबूझ हासिल हो जाती है। अब मैं एक और आपको बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी बातें तो बहुत सी थी। देखिए, इंसान के जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको कुव्वत मुदाफ़ात कहते हैं। कुव्वत मुदाफ़ात, ये कुव्वत मुदाफ़ात जितनी पावरफुल होती है उतने ही जो बैक्टीरिया इन्वेडर्स, बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं बीमारियों के, वो दूर रहते हैं और आदमी की बॉडी उतनी ही तंदुरुस्त रहती है। हम ये देखते हैं कि विद इन 25, अंडर 25 ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया 25 को तो अब बीमारियों के फेरे होने लगते हैं, उनका रेशो बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान की बॉडी के अंदर वो जो इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया को, बीमारियों के बैक्टीरिया को एक्सपेल करने का, रिपेल करने का, वो कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर ये बैक्टीरिया डोमिनेंट पोजिशन में आ जाते हैं। और जब तक इम्यून सिस्टम डोमिनेंट पोजीशन में था, पावरफुल था, तो ये सब सप्रेस पोजीशन में थे। जब सप्रेस पोजीशन में थे तो बॉडी हेल्दी थी, बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि तकवा जो है वह ईमान का इम्यून सिस्टम है। तकवा ईमान का इम्यून सिस्टम है। जितना तकवा आपका ताकतवर होगा, मैं तारीफ बता चुका हूँ आपको तकवे की, जितना ये ताकतवर होगा उतना ही इबलीसी बैक्टीरिया, गुनाहों के बैक्टीरिया, शैतानी बैक्टीरिया सप्रेस पोजीशन में रहेंगे और आपका ईमान और रूह डोमिनेंट पोजीशन में रहेगी, आपकी रूहानियत ताकतवर रहेगी। ये बहरहाल अच्छा। अब ये जो रोज़ा आ रहा है, ये रोज़ा इसके आखिरी आखिरी दिन जो हैं वो हो सकता है कि गर्मी की शिद्दत में हों, तो इसके बारे में भी कुछ बशारतें सुन लें। आपने फरमाया सरमा के रोज़े जो हैं वो ठंडी माले गनीमत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और गर्मा के रोज़े जो है गर्मा गर्म माले गनीमत है। एक बात। दूसरी बात, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय आयशा, तेरे रोज़ा रखने में जो या इबादत करने में जो मशक्क़त होगी अल्लाह ताला उस मशक्क़त पर सवाब को दुगना और चौगना कर देगा। रोज़े के अंदर या अल्लाह के कोई भी हुक्म को पूरा करने में अगर आपको मशक्क़त को फेस करना पड़ रहा है, कोई दुश्वारी उठाना पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर सवाब भी ज़्यादा है, फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। इसी तरह रोज़े के रूहानी फ़ायदे तो हैं ही हैं, जिस्मानी फ़ायदे भी ज़बरदस्त हैं। जिस्मानी फ़ायदे रोज़े के, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दुरुस्त होता है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल और शुगर ये कंट्रोल में रहते हैं, बीपी कंट्रोल में रहता है, मोटापे का इलाज है उसमें, रेजिस्टेंस पावर आपका जो है पावरफुल हो जाता है, जिगर के अतराव जो चर्बी जमा हो जाती है ये रोज़ा उस चर्बी की निकासी करता है,
निकासी करता है। इसी तरह एक अभी डिस्कवरी हुई कि जो जापान का एक साइंसदान है, ऐसी खबरें हैं कि वो मुसलमान हो गए, योशी नोरी ओशोमी उनका नाम है, इनको 1926 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी के अंदर। किस बात पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? इन्होंने डिस्कवर किया, एक चीज़ डिस्कवर की, उनका कि मैंने कैंसर की दवा, कैंसर का इलाज ढूंढा है। तो उनका कैसे, आपने क्या ढूंढा? उन्होंने कहा कि कैंसर को जो चीज़ रोक सकती है वो मैंने दरियाफ्त की है इंसान की बॉडी से। उनका वो क्या, वो उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि इंसान का जिस्म जब भूखा होता है, भूखा होता है, तो उस भूख के अंदर जो कैंसर के बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे जिस्म के बैक्टीरिया उस कैंसर के बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, और उसका उन्होंने नाम दिया सेल्फ ईटिंग सेल, बोलते हैं उसको सेल्फ ईटिंग सेल्स, और उसका नाम है ऑटोफेगी। इस अमल से यह होता है कि वो जो कैंसर का के बैक्टीरिया जब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कैंसर से आदमी मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने पूछा अच्छा कितना रखना चाहिए रोज़े? उनका साल में 20-25 भी अगर रख लिए तो कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये तो आज डिस्कवरी हुई है। हमारे नबी कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत पहले इलाज बता दिया, फरमाया सूमू तसहू, रोज़े रखो सेहत हासिल करो। कहाँ की लेबोरेटरी के अंदर क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते थे, वो वही कहते थे जो वही होती थी, वो वही होती थी। तो ये अल्लाह के नबी ने कब कहा? ये आज बातें सामने हमारे आ रही हैं। अब रोज़े कितने होते हैं हमारे? 30 रोज़े होते हैं। फरमाया इसके अंदर बेहतरीन कैंसर का इलाज। इसी तरह आप सलात में फरमाया कि मन साम रमज़ान, जिसने, अब मैं अरबी की इबारत नहीं पढ़ रहा, खाली उसकी रूह बता रहा हूँ, फरमाया कि जिसने रमज़ान का रोज़ा ईमानन व एहतिसाबन, यकीन करते हुए और सवाब की नीयत से रखा और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ रखा, गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बी, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। इसी तरह आपने फरमाया कि बहुत से ऐसे रोज़ेदार हैं, अरबी लिखी है लेकिन मैं सिर्फ वक्त कम होने की वजह से खाली मफहूम पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि सिवाय भूखे रहने के और रात में उनके शब बेदारी के कुछ भी उन्हें हासिल नहीं होता। क्यों? मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाह हाजतन फी अन यदा तआमहु व शराबा, जो रोज़ा रखकर झूठ न छोड़े, झूठ पर अमल करना न छोड़े, अल्लाह को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वह भूखा रहे। तो रूह रोज़ा क्या है? रोज़े वाले मुसलमान कौन हैं? जिनके किरदार से झूठ छूट जाए, जिनके किरदार से गीबत छूट जाए। फरमाया कि अगर तुम रोज़े से हो तो जहालत की बातों से बचो, गुस्से पे कंट्रोल करो, अगर तुमसे कोई लड़े और तो तुम्हें फला यरफस वला यफसुक, रोज़ेदार ना तो बेहयाई की बातें करे, ना फिस्को फजूर की बातें करे, वला यगदब और ना गुस्सा करे, और कोई लड़े तो कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। रोज़े की रूह बताई गई, रोज़े की रूह, और रोज़े की रूह क्या है? सब्र, अस्सौमु शहरुस सब्र, ये सब्र का सेल्फ कंट्रोलिंग का महीना है। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म का इस्तेहज़ार हर वक्त हो। भाई हम पानी, बहुत प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहे, घर में कोई नहीं है, खाना हम नहीं खा रहे, बहुत भूख लग रही है, कोई नहीं देख रहा, चलिए और बेहतरीन फ्रिज के अंदर ठंडा पानी रखा है, कोई नहीं देख रहा, क्यों नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे? हुक्म है खुदा, अल्लाह का हुक्म है, नहीं पीना, नहीं पी रहे। क्या खाना हराम है? क्या पानी हराम है? जो चीज़ें आप नहीं छू रहे ये हराम है क्या? हराम नहीं, हलाल हैं। हलाल चीज़ें क्यों छोड़ रहे हैं आप? हलाल चीज़ों से क्यों रुक रहे हैं? हुक्म खुदा है। जब हलाल चीज़ें हुक्म खुदा पे आप छोड़ रहे हैं तो फिर हराम चीज़ें तो बदरजह औला छोड़ना है आपको। ये है रोज़े की रूह।
ये ट्रेनिंग दी गई है हमको कि हलाल चीज़ों से तुम क्यों रुक रहे हो, इसलिए कि अल्लाह ने रोका है। तो जब अल्लाह ने हराम चीज़ों से रोका है उनसे बदरजह अवला रुको, ये है रोज़े का एसेंस, ये है रोज़े की स्पिरिट, ये आपके अंदर आ जाए तो ये है रोज़े वाले मुसलमान। अल्लाह ताला हमें रोज़े वाले मुसलमान बनाए और जो रोज़े की रूह है अल्लाह उस रूह से हमें हमकिनार करे और अल्लाह पूरी ज़िंदगी और पूरी साल हमें अपनी मारिफत और अपने राह पे चलने वाला बनाए और जिस रोज़े पर जिस तकवे पर अल्लाह ने इतने वादे किए हैं मालिक ऐसा रोज़ा नसीब करे कि ये तकवा जो इतनी बरकात और समरात लेकर आता है ये तकवा हमें नसीब हो जाए। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब कमाल कादरी साहब का लेक्चर बहुत ही जो है सब खामोश था, हमारा लिए मालूमाती था, बहुत सी अहम बातें मालूम हुई और हमारे हाफिज़ साहब का बयान अंदाज़ भी माशाल्लाह ऐसा है कि यकीन मानिए बड़ा लुत्फ़ आता है। और ये होता है कि और एक घंटा मिलता तो अच्छा था, लेकिन कम वक्त में इतनी अहम बातें बता देना, मोतियों की तरह एक माला दे देना, ये इनके लिए बहुत ख़ास सिफत है, ये हर एक में नहीं होती। हमारी दुआ है इनको इनकी उम्र दराज करे, हमेशा सेहत से रखे और जो है हमको बार बार इनको सुनने का मौका अता फरमाए और जो है इनके इल्म में और तरक्की और बरकत अता फरमाए। आलमीन या रहमुर रहीमीन। अल्लाह एक अहम ऐलान है हमारा, आप सबके मालूम आती है शायद, फिर भी बता रहा हूँ, हमारे मस्जिद के सुपरवाइज़र साहब जो तकरीबन 3 दहों से काम किए हैं, सुबह आ जाते थे शाम में ईशा तक बराबर रहते थे, कल उनका रात में इंतकाल हुआ, जोहर में नमाज जनाजा यहीं हुई, उनके लिए ख़ास दुआ फरमाए, अल्लाह उनका हिसाब किताब आसान फरमाए, खबर के अजाब से उनको महफूज रखे, उनकी आखिरी मंजिल आसान कर दे, उनको हश्र में अर्श के साए में जगह अता फरमाए, हशर के रोज़ हौज़े कौसर का जाम पीने की सआदत नसीब फरमाए। या इलाहुल आलमीन या रहमुर रहीमीन। अल्लाह जितने हमारे वालदैन अजीज़ क़रीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमारे असातिज़ान साहिबान हमारे अफसरान साहिबान जो जो भी इस दुनिया पानी से गुजर चुके हैं मेरे मौला, उनके साथ रहम का करम का मामला फरमाते हुए मेरे मौला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनकी खबरों को जन्नत का एक बाग बना दे। या इलाहुल आलमीन। हम तमाम जो बकायद हयात हैं तौफीक दे हिदायत दे मेरे मौला, सच्ची तौबा कर ले, तौबतुन नसूह करवा ले जो तेरे दरबार में कबूल व मंजूर हो जाए, बाद उसके हिदायत दे तौफीक दे हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकाया ज़िंदगी उनके सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, अल्लाह जो मखरूज़ है उनके खर्चों की अदायगी के अस्बाब बना दे, अल्लाह जो परेशान हाल है उनके परेशानियों के मसाइल निकाल दे, उनका हल निकाल दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बच्चे तालीम पा रहे हैं उन्हें नाफ़े इल्म अता फरमा, अल्लाह जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को नेक साले माँ बाप की आँखों की ठंडक बना दे, अल्लाह जो लावलद है औलाद की ख्वाहिश करते हैं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, अल्लाह जिन लड़के लड़कियों की शादियां होना है मेरे मौला उनकी शादियों के असबाब बना दे, बेहतर से बेहतर रिश्ते फराहम फरमा, खैर व आफियत वाले बख्तावर मुबारक रिश्ते लगा दे, तमाम के घर आबाद व शादाब कर दे। या इलाहुल आलमीन। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम और हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस में उनके वास्ते से हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, आने वाले रमज़ान में हमको हकीकी रोज़ादार बना दे, हमारी हमारे रोज़ों में रियाकारी है तो उसको दूर फरमा दे, हमें ताकत व सेहत दे। अल्लाह जैसा हाफिज़ साहब ने अभी कहा है कि तकवे वाले रोज़े रखवा ले हमसे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है तकवे को और रोज़ेदार की सिफात को,
अल्लाह ताला हमको अच्छाई की तरफ मोड़ दे, आप जो सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक हिदायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।